मेरे और आर्यन के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता है प्यार का। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आर्यन, और मैं तुम्हें भी कह रही हूँ कि तुम इस झूठ में जीना छोड़ दो। कब तक हम छुपा पाएंगे सच्चाई को? और दुर्गा, उसका तो हक बनता है कि वह सच्चाई को जान ले। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से बोझ हट सा गया है कि तुम मेरी सारी सच्चाई जान गई हो। ठीक उसी तरह जैसे मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान गई हूँ। मैं जानती हूँ मैंने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है ना? गलत है, गलत है। दुर्गा मेरा विश्वास करो, पता नहीं ऐसा क्यों कह रही है। क्योंकि यही सच्चाई है आर्यन, यही सच है, वरना तुम भी मुझसे अब तक ये बात कह चुके होते। दुर्गा मैंने तुमसे वही कहा जो सच है। क्या मैंने तुमसे कभी छुपाया कि मैं इससे मिला? क्या छुपाया मैंने तुमसे? लेकिन तुमने मुझे ये तो नहीं बताया कि ये मुस्कान है। मैं तो किसी उस चेहरे को ढूंढ रही थी जिसका नाम एम से शुरू होता था और मेरे सामने थी खुशी। मुझे क्या पता था कि खुशी ही मुस्कान है। दुर्गा प्लीज बिलीव मी प्लीज। बहुत हो गया, अब तुम चिल्ला चिल्ला कर भी अपनी सफाई देने की कोशिश करोगी ना तब भी मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। दुर्गा दुर्गा मत जाओ, मेरी बात सुनो। दुर्गा मैंने तो वही कहा है जो सच है, और सच ये है कि हम दोनों का प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुस्कान ने सिर्फ आर्यन के लिए ही जन्म लिया है, सिर्फ आर्यन के लिए। बस मुस्कान बस, बस करो ये पागलपन। क्यों सता रही हो मुझे, जबकि मुझे लगा कि तुम इस बात से सहमत हो कि हमारा रिश्ता दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारे एक झूठ ने किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों मुस्कान क्यों? तुमने मुझसे कितने सवाल पूछ लिए लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारे इन सवालों का। तुम्हें क्या लगता है आर्यन, ये सब जानने के बाद दुर्गा तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? उसका इंतजार करूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दुर्गा पर इतना विश्वास करना चाहिए। तुम्हारे कहने से मेरी फीलिंग्स दुर्गा के लिए बदलेंगी नहीं। ओह, लेकिन उसे तो तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी अभी वही तो तुम्हें छोड़कर चली गई है ना, और तुम किस इंतजार की बात कर रहे थे? मैंने तुम्हारे लिए 19 साल इंतजार किया है, क्या तुम उससे भी लंबा इंतजार कर सकते हो? तुम्हारी कोई बात मुझे नहीं सुननी, और तुम देखना एक दिन मेरे विश्वास की ही जीत होगी। उस विश्वास की जो मुझे अपनी शादी पर है, अपनी दुर्गा पर है। और वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम और मैं एक होंगे। नेवा। वक्त, हालात और लोग कोई भी हमें जुदा नहीं कर पाएंगे, यही वादा किया था ना हमने। अब तुम देखना आर्यन, वक्त हालात और लोग ही हमें कैसे एक दूसरे के करीब ले आएंगे। दादाजी। हाँ बेटा। अमावस्या की तिथि कुछ देर पहले ही शुरू हुई है ना? और हर अमावस की रात की तरह आज की रात भी खुशी मुस्कान की और चुंबक की तरह खींची चली जाएगी। उस राह पर उसके पग बहुत तेजी से बढ़ेंगे जहां से उसे अपना बीता हुआ जीवन निकटतम दिखाई देगा। बीता हुआ जीवन मतलब आर्यन के करीब? हाँ, आर्यन के करीब। दादाजी अब आप ही बताइए, जब ये भेद खुल चुका है, जब खुशी जान चुकी है कि वो मुस्कान है, तो क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे ये सब बातें रुक जाएं? पहले तो आपकी इन बातों पर नजर रहती थी, दृष्टि रहती थी, क्योंकि आपका मानना था कि
कि भाग्य चक्र में आप दखल नहीं दे सकते, इसीलिए ये बातें सबसे छुपी रही। पर दादाजी अब तो ये बातें सब जान चुके हैं, आपको कुछ करना नहीं चाहिए दादाजी। जरा सोच के देखिए, भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन होने वाले नुकसान को कम तो किया जा सकता है। वरना मुझे तो ये कहानी विनाश की ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है। और उस विनाश की ओर एक और व्यक्ति है जो अपने कदम बढ़ा रहा है, और वो कोई और नहीं अपना ध्रुव है। अब मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं तो खुशी का भाव उसे बहुत तेजी से उस राह पर ले जा रहा है जो केवल गहरे संकट से भरा हुआ है। और जो भी कोई उसे उस रास्ते पर चलने से रोकेगा, खुशी उसे सहन नहीं करेगी, उसका भी विनाश कर देगी। क्या कोई और ऐसा व्यक्ति है जो खुशी के इस तूफान के सामने डट के खड़ा हो सके, उसका मुकाबला कर सके? रुक जाओ खुशी। तुमने मुझसे एक सवाल किया था और कहा था कि सोचकर उसका जवाब दो, कहा था ना? हाँ। फिर भी तुमने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बहुत लंबा इंतजार कर चुकी हूँ ध्रुव, अब और इंतजार नहीं कर पाई। मैंने एक पूरी जिंदगी जिसकी तमन्ना करते हुए गुजार दी, मुझसे दो कदमों की दूरी पर था, मैं और इंतजार कैसे कर पाती? वो वक्त तो उस पर हब जमाने का था, उसे दुनिया से छीन लेने का था। ओ, तो तुम प्यार में अपने हक को छीन कर पाना ठीक समझती? हाँ ध्रुव, प्यार में सब कुछ आया से, सब कुछ छीन कर अपना प्यार पाना भी। अगर तुम्हारे सामने वैसा मौका होता तो तुम भी क्या वैसा नहीं करते जैसे मैंने किया? नहीं खुशी, क्योंकि मेरी और तुम्हारी सोच में फर्क है। प्यार में सब कुछ जायज है, अच्छी थियरी है, मगर मैं नहीं मानता। खासकर छीन कर प्यार पाना, बिल्कुल नहीं। कभी चाहो तो अपनी मुट्ठी में रेत को बांध कर रखने की कोशिश करना, जितनी उसे बांध कर रखने की कोशिश करोगी उतनी वो फिसल जाएगी। प्यार भी उसी रेत की तरह, बांध कर रखने की कोशिश करोगी तो फिसल ही जाएगी। अगर मुझे इस फिसली हुई रेत को समेटना आता हो तो? फिर भी वो ज्यादा देर तक तुम्हारे पास टिकेगी नहीं। टिकेगी ध्रुव, जरूर टिकेगी। बस दिल में वो जज्बा होना चाहिए, दिल में वो हिम्मत होनी चाहिए कि प्यार की खातिर कुछ भी करने से डर ना लगे, और वो हिम्मत मुझ में है। पर खुशी, रेत की तो सदियों से फितरत यही चली आ रही है कि वो बंद मुट्ठी से फिसलेगी भी और उड़कर तुम्हारी आंखों में चुभेगी भी। क्योंकि खुशी, जिसे तुम पाना चाह रही हो वो मंजिल तो तुम्हें दिख ही नहीं रही। बाद में शायद ये भी हो सकता है कि जो मंजिल तुम्हारे एकदम पास खड़ी उसमें और तुम इतने फासले बढ़ जाए कि तुम उसे भी खो दो। नहीं ध्रुव, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरी मंजिल आर्यन है और मेरी कोशिश उसे जल्दी ही मेरे पास ले आएगी, क्योंकि मुझे एक तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तूफान जो अगले 24 घंटों में आर्यन को अपनी तेज हवाओं के साथ मेरे करीब ले आएगा, एक ऐसा तूफान जिसकी नजरें आर्यन पर टिकी हुई है। रिपोर्ट आ गई है, पता लगा है कि बिटिया को जो दवाइयाँ दी गई थी उसी में कुछ खराबी थी।
नकली दवाइयां? जी। पता करो कौन जिम्मेदार है उन्हें इस अस्पताल में लाने के लिए, जाओ। हमने इस बात का पता लगा लिया है, बिटिया को जो दवाइयां दी गई थी उसकी ऑर्डर लिस्ट पर आर्यन राज सिंह के साइन थे। डॉक्टर आर्यन राज सिंह? हमने एक दूसरे डॉक्टर से पता किया है कि इस अस्पताल को दवाइयों की सप्लाई का जो कोटा आता है वो खत्म हो गया था, तो डॉक्टर आर्यन राज सिंह ने किसी दूसरे सप्लायर से दवाइयां भी मांग के बिटिया को दी। सच कह रहा तुम? तो दूसरे डॉक्टर डॉक्टर आर्यन की तरफदारी कर रहे हैं? हाँ, उसके दोस्त जो ठहरे, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक रेगुलर सप्लायर के पास वो दवाई नहीं मिली तो ये ऑर्डर किसी दूसरे सप्लायर के पास चला गया? लगता है डॉक्टर आर्यन को उस दूसरे सप्लायर से मोटी सी रकम कमीशन में मिली है और उसने थोड़ी सी रकम के लिए हमारी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। त्रिपाठी साहब, एक मिनट, हमारी बात सुनो। अपने दोस्त को फोन लगाओ। क्या नाम है उसका? आर्यन राज सिंह। हाँ, डॉक्टर आर्यन राज सिंह, और उसे कहना कि अगर हमारी बेटी ने कल का सूरज नहीं देखा तो हम उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा यात्रा कर देंगे। दुर्गा, दुर्गा दरवाजा खोलो, दुर्गा, दुर्गा दरवाजा खोलो, ये क्या बचपना लगा रखे? हेलो। गुड मॉर्निंग पापा। श्रद्धा तुम? गुड मॉर्निंग बच्चा, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन पापा। आपको पता है यहाँ पर कितना बड़ा फार्म हाउस है? यहाँ पर काउज हैं, गोट्स हैं और इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। ला 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 मुझे दो। हाँ आर्यन बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? श्रद्धा तंग तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, हमारा भी इसके साथ में बहुत दिल लगा हुआ है, मजा आ रहा है। लो एक मिनट, माँ से बात कर। लाइए लाइए। हेलो, आप वापस कब आ रहे हैं? अरे तुम्हारी मौसी तो आने ही नहीं दे रही है, जिद कर रही है कि कुछ और दिन हम लोग यहाँ रुक जाए। और श्रद्धा, उसका भी आने का मन नहीं है। अच्छा दुर्गा कैसी है, उसे दो जरा फोन। दुर्गा माँ का फोन है। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? दुर्गा तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही है, घर एकदम खाली सा लग रहा है, जैसे कोई है ही नहीं घर में। क्यों, आर्यन है ना वहां? अरे अरे हाँ सुनो, श्रद्धा अपनी मम्मा से बात करना चाह रही है। नहीं, मुझे मम्मा और पापा से दोनों से बात करनी है। अच्छा श्रद्धा, तुम दोनों से साथ साथ बात करना चाह रही है, इकट्ठे? लो बात करो। श्रद्धा को हम दोनों से बात करनी है। आप दोनों मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ बेटा। आई एम मिसिंग यू, पर यहाँ बहुत मजा भी तो आ रहा है। आपको पता है मैंने यहाँ बहुत सारी फोटोज भी खींची हैं। अच्छा, घर आके मम्मा को सब कुछ बताना, ठीक है? और पापा को भी? हाँ दोनों को दिखाऊंगी। आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू पापा।
Love you too. Okay, bye. मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। What? दुर्गा, for God's sake, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत करो, please. आर्यन, समझाने का वक्त निकल चुका है। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और तुमने श्रद्धा के बारे में सोचा? यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या तुमने श्रद्धा के बारे में सोचा था? खुशी के साथ अफेयर शुरू करने से पहले? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था। प्लीज आर्यन, प्लीज अब हम इस बारे में बात ना करें तो ही बेहतर होगा। जब मम्मी पापा और श्रद्धा घर आए तो उन्हें समझा देना कि मैं घर छोड़कर क्यों चली गई। श्रद्धा को मैं बाद में अपने पास बुलवा लूंगी, अब वो मेरे साथ ही रहेगी पापा के घर। दुर्गा, दुर्गा मेरी बात तो सुनो। या हेलो, या डॉक्टर साहब। क्या? ओह गॉड, मैं अभी आता हूँ। या अलविदा। दुर्गा मुझे जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, प्लीज मेरा इंतजार करना। प्लीज वेट फॉर मी, आई नो यू विल वेट फॉर मी, प्लीज। यस डॉक्टर, शी इज अ बैड रेस्पिरेशन, सांसें अकड़ रही है। ओह माय गॉड, Get the oxygen fast. सब कुछ खत्म हो गया।